हाई स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शंस ऑफ डेटा लिंक क्लेयर सो फर्स्ट फंक्शन इज फ्रेमिंग ओके सो मैं आप लोगों से कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो डेटा लिंक क्लेयर होती है वो फ्रेम्स के फॉर्मेट में काम करती है ठीक है एंड इसकी जो नेबर लेयर्स होती हैं वो होती है फिजिकल लेयर एंड नेटवर्क लेयर ठीक है एंड जो ये डेटा लिंक लेयर होती है ये इन दोनों के बीच में काम करती है ठीक है सो so, यहाँ पे फ्रेमिंग किस तरह से काम करती है द डेटा लिंक लेयर ट्रांसलेट्स द फिज़िकल लेयर्स रॉ बिट्स हम लोगों ने फिजिकल लेयर में डिस्कस किया था कि ये बिट्स एंड सिग्नल्स के फॉर्मेट में काम करती है राइट सो डेटा लिंक लेयर क्या करती है ये ट्रांसलेट करती है फिजिकल लेयर के रॉ बिट्स को इन टू पैकेट्स नोन एज फ्रेम्स ठीक है ये सिंपल सी चीज़ है यहाँ से जो बिट्स आएंगे ये उन बिट्स को पैकेट्स में कन्वर्ट करेगी एंड उन उन वाले जो पैकेट्स होते हैं उनको हम लोग फ्रेम्स बोलते हैं ठीक है द डेटा लिंक एड्स हेडर एंड ट्रेलर ठीक है हेडर एंड ट्रेलर टू द फ्रेम्स द हेडर विच इज एडिड टू द फ्रेम कंटेन्स द हार्डवेयर डेस्टिनेशन ठीक हेडर्स क्या करते हैं ये हार्डवेयर की डेस्टिनेशन को स्टोर करते हैं राइट right? एंड इसके सोर्स एड्रेसेस को भी स्टोर करते हैं सोर्स एड्रेसेस को भी स्टोर करते हैं ठीक है सो आप लोगों ने ये सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि एक पैकेट होता है एक फ्रेम होती है उसमें दो सेक्शंस होते हैं ये हेडर होता है ये ट्रेलर होता है ठीक है सो यहाँ पे हेडर क्या करता है हार्डवेयर की डेस्टिनेशन को यानी कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं एक होता है सेंडर एक होता है रिसीवर है ना सो so, जो सेंडर होता है उसको हम लोग सोर्स भी बोलते हैं एंड रिसीवर को डेस्टिनेशन बोलते हैं ठीक है सो so, यहाँ पे इसके पास सोर्स का एड्रेस भी होता है एंड डेस्टिनेशन का एड्रेस भी होता है ठीक है तो ये हमेशा फ्रेम्स के फॉर्मेट में डेटा को ट्रांसफर करवाता है सेकेंड पॉइंट इज फिजिकल एड्रेसिंग फिजिकल एड्रेसिंग ओके द डेटा लिंक क्लियर एट्स अडर टू द फ्रेम दैट कंटेन्स द डेस्टिनेशन एड्रेस ठीक है हेडर क्या करते हैं डेस्टिनेशन एड्रेस को स्टोर करते हैं एंड द फ्रेम इज ट्रांसमिटेड टू द डेस्टिनेशन एड्रेस मैंशन इन द हेडर ठीक है अब जैसे हम लोग कोई भी लेटर पोस्ट करते हैं ठीक है यहाँ से मैं लेटर पोस्ट कर रही हूँ यहाँ पे एक पर्सन है इन्हें मैंने पोस्ट करना है तो जब भी हम लोग पोस्ट ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे क्या होता है हम लोग अपना एड्रेस भी, भी लिखते हैं लेटर में एंड जहाँ पे लेटर भेजना है उनका एड्रेस भी लिखते हैं ठीक है सो वैसे ही काम यहाँ पर हेडर करता है हेडर सोर्स का एड्रेस भी लिखता है डेस्टिनेशन का एड्रेस भी लिखता है इसका क्या रीज़न है कि मान लीजिए बाई चांस ये वाला पर्सन जो है ये मना कर देते हैं कि ये लेटर हमारा नहीं है इसे वापस ले जाओ ठीक है सो पोस्ट ऑफिस वाले क्या करते हैं उस लेटर को वापस ले लेंगे एंड वहां पे जो सोर्स का यानी कि सेंडर का एड्रेस होगा उस एड्रेस पे उसको वापस भेज देंगे ठीक है so, सो यहाँ पे फिजिकल एड्रेसिंग वाला जो सेक्शन है वो भी यही काम करता है राइट नेक्स्ट इज फ्लो कंट्रोल फ्लो कंट्रोल ओके फ्लो कंट्रोल इज द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ दिस लेयर राइट इट इज़ द टेक्निक थ्रू विच द कॉन्स्टेंट डेटा रेट इज मेनटेन्ड ऑन बोथ द साइड बोथ द साइड्स का मतलब है सेंडर साइड एंड रिसीवर साइड्स ओके बोथ द साइड सो दैट नो डेटा गेट करप्टेड ठीक है इसलिए होता है ये फ्लो कंट्रोल अब पैकेट्स बहुत सारे यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं तो इसका जो पैकेट्स का फ्लो है जो फ्रेम्स का फ्लो है उसको कैसे कंट्रोल करना है ये भी डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ठीक है अब जैसे एक साथ हम लोग बहुत सारे पैकेट्स भेजते हैं मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम से ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ कोई डेटा ठीक है कोई इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ सो so, उन पैकेट्स को किस तरह से डेस्टिनेशन तक पहुँचाना है बिना किसी करप्शन के वो सब चीज़ें हैंडल करता है डेटा लिंक लेयर ओके सो इट इन्श्योर्स दैट द ट्रांसमिटिंग स्टेशन सच एज सर्वर विद द हायर प्रोसेसिंग स्पीड डज नॉट एक्सीड द रिसीविंग स्टेशन विथ लोअर प्रोसेसिंग स्पीड ठीक है ये बेसिक सी चीज़ है बस आप लोगों ने यह रखना है कि फ्लो का मतलब है यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा और इन्फॉर्मेशन फ्लो ओके नेक्स्ट पॉइंट इज एर कंट्रोल एरर कंट्रोल ओके अब हम लोग पैकेट्स को ट्रांसमिट करवाते हैं कोई भी फाइल है मैं वो आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ इंटरनेट की हेल्प से ठीक so, है सो वहाँ पर कुछ एरर्स है मान लीजिए एक फाइल में कुछ एरर्स पहले से थे या फिर ट्रांसमिशन के टाइम पे वो एरर्स अकर हो गए ठीक है सो उन एरर्स को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा लिंक लेयर ठीक है तो वो क्या करता है डेटा लिंक लेयर की हेल्प से क्या हो सकता है या तो वो सेंडर को एक्नॉलेज कर देगा पहले ही कि इस फाइल में कोई एरर है तो थोड़ा सा वेट कीजिए मैं इसे करेक्ट करके देता हूँ ठीक है या फिर वो सेंडर सॉरी वो रिसीवर को एक्नॉलेज कर देगा या फिर वो सेंडर को बोल देंगे वापस फाइल ले जाओ अपनी इसमें एरर है ठीक है सो इस तरह से जितने भी एरर कंट्रोल स्कीम्स होती हैं वो सब डेटा लिंक क्लियर हैंडल करता है ठीक है एरर कंट्रोल इज अचीव बाय एडिंग अ कैलकुलेटेड वैल्यू दैट इज कॉल्ड सी आर सी सी आर सी दैट इज साइक्लिक रिडेंडेंसी चेक ठीक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकते हैं कि वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सी आर सी एंड ये कौन सी लेयर पे यूज होता है ठीक है तो ये होता है साइक्लिक रिडेंडेंसी चेक एंड ये एरर कंट्रोल के लिए डेटा लिंक लेयर में यूज होता है ओके इट इज प्लेस टू डेटा लिंक क्लेयर्स ट्रेलर ठीक है ये कहाँ पे होता है डेटा लिंक लेयर के ट्रेलर पे होता है विच इज एडिड टू द मैसेज फ्रेम बिफोर इट इज़ सेंड टू द फिजिकल लेयर सिंपल सी चीज है राइट नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल ओके सो एक्सेस का मतलब है कि किस तरह से यहां से अगर फाइल जा रही है तो हमारा बाकी के जो सिस्टम्स है वो उसे किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं यूज कर सकते हैं ठीक है वेन टू और मोर डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू द सेम कम्युनिकेशन चैनल ठीक है ये सेम कम्युनिकेशन चैनल है यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड हैं देन द डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स आर यूज टू डिटरमाइन विच डिवाइस हैज़ कंट्रोल ओवर द लिंक एट द गिवन टाइम ठीक है the अब एक ही नेटवर्क में बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं सो डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल है डेटा लिंक लेयर के पास क्या होता है डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होता है ठीक है तो डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पैकेट को बिल्कुल सही जगह पे पहुंचाना ऐसा नहीं है कि यहाँ से वो पैकेट इस तरह से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो पैकेट सिस्टम वन का था लेकिन वो सिस्टम थ्री को पहुंचा दे वो तो गलत हो जाएगा तो किस तरह से वो पैकेट डायरेक्टली सिस्टम थ्री तक पहुंचना चाहिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा लिंक लेयर की ठीक है एंड ये पॉसिबल है सिर्फ इस वजह से क्योंकि डेटा लिंक लेयर के पास मैक एड्रेस होते हैं डेस्टिनेशन के ठीक है इसमें जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इसमें एल एल सी प्लस मैक यूज होता है तो ये दोनों एरर कंट्रोल वगैरह जो सेक्शन होता है वो एल एल सी हैंडल करता है एंड मैक एड्रेस क्या हैंडल करता है कि पैकेट्स को किस तरह से उसकी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन तक पहुँचाना है ओके सो so ये है एक्सेस कंट्रोल एंड जो डेटा लिंक लेयर होता है वो ये भी कंट्रोल करता है जो फिजिकल लेयर है ठीक है फिजिकल लेयर से पैकेट्स जा रहे हैं डेटा लिंक लेयर पे मान लीजिए कि वहाँ से पहले से कोई एरर था ठीक है तो फिजिकल लेयर से जो पैकेट्स आ रहे हैं जो बिट्स आ रहे हैं उसमें कुछ एरर है उन सभी एरर्स को हैंडल करता है डेटा लिंक लेयर, ओके एंड डेटा लिंक लेयर में एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो डेटा लिंक लेयर होता है वो नोड टू नोड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नोड टू नोड डिलीवरी ठीक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं छोटे लेवल के या बड़े लेवल के वहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि जो डेटा लिंक लेयर है वो कौन से टाइप की डिलीवरी करवाता है पैकेट्स की दैट इज़ नोड टू नोड अब नोड्स का मतलब क्या होता है कंप्यूटर को भी हम लोग नोड बोल सकते हैं राइट सो मान लीजिए हमारे पास दो सिस्टम्स हैं ठीक है थीके? दो नेटवर्क्स हैं दिस इज़ फर्स्ट नेटवर्क एंड दिस इज़ सेकेंड नेटवर्क ठीक है अब डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्कस में मान लीजिए ये लैंड हैं ठीक है ये लैन है वन दिस इज लैन टू अब इन दोनों लैंड में अंदर कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स होंगे ठीक है मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जिनको कनेक्ट करके लैन बना है सो so, ये वाले जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं ना इनको नोड्स no, बोलते हैं ठीक है इनको हम लोग नोड बोलते हैं सो so, यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ ये है ये दोनों लैंड जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं ओके, सो इफ वन वॉन्ट्स टू सेंड डेटा टू सेकेंड नेटवर्क आप लोग इसको सिंपल से याद रख लीजिए ये लैन वन है ये लैन टू है ठीक है अगर लैन वन के इस वाले सिस्टम ने इस वाले सिस्टम पे डेटा पैकेट सेंड करना है तो वो क्या होगा नोड टू नोड होगा इसके लिए डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल है ठीक है वैसे ही अगर इस वाले नेटवर्क में इस वाले सिस्टम ने इस वाले सिस्टम को पैकेट भेजना होगा तो वो भी डायरेक्टली हो जाएगा डेटा लिंक लेयर की हेल्प से ठीक है उसके लिए बाकी कोई नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है बाकी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है आप लोगों ने बस यही याद रखना है ये होता है नोड टू नोड डिलीवरी ठीक है एंड जैसे कि अब इस वाले सिस्टम ने इस वाले सिस्टम को कोई पैकेट भेजना है ठीक है ये दोनों अलग अलग लैंड में हैं तो अगर इस तरह से पैकेट ट्रांसमिट करवाना होगा तो हमें नेटवर्क लेयर का यूज़ करना होता है ठीक तो है।, है, है, है तो इसके लिए नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है लेकिन अगर सेम लैन में सेम नेटवर्क में दो नोड्स हैं दो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र करवाना है तो उसके लिए डेटा लिंक लेयर ही हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगी ठीक है सिंपल टर्म्स में हम ये भी बोल सकते हैं इट इज़ यूज वेयर टू नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टू द सेम लिंक्स Okay so this is about the basic functions of data link layer thank you